इनके लब रंगी की निछावर के जिसने। रेहान कादरी हैं, इन्होंने पूछा है किसी भी इंस्टीट्यूट की ओपनिंग पर रिबन काटना कैसा, यानी ये जो तरीक़ेकार होता है कोई नई दुकान खोलते वक्त, नया इंस्टीट्यूट खोलते वक्त या नया घर वगैरह खरीदते वक्त, तो एक रिबन उसमें बांध देते थे और फिर उसको काट के जो है ना उसमें ओपनिंग जो है ना सेरेमनी होती है, कुछ ऐसा सिस्टम चला है, तो इसका करना कैसा। असल में देखें, कोई भी जब नया काम शुरू करें या कोई भी ऐसा मामला शुरू करें तो वहाँ मुसलमानों के लिए एक तरबियत दी है इस्लाम ने कि वहाँ अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र होना चाहिए। ये सबसे बेहतर और सबसे आला चीज़ है कि अगर आप कोई चीज़ शुरू करें तो वह अल्लाह तबारक व ताला के नाम से शुरू करें और उसके ज़िक्र से शुरू करें। तो उसके अंदर मुसलमानों का एक तरीक़ेकार है कि वो लोग जो है कुरान पाक को वहाँ पर पढ़वाते हैं, जिसको आम ज़ुबान में कुरान खानी कहा जाता है, कि वो करवाते हैं या यासीन शरीफ करवाते हैं या दूसरी सूरे मुल्क सूरे रहमान वगैरह, अपनी अपनी जो है वो हैसियत के मुताबिक, जैसे इलाके में रिवाज चल रहा होता है लोग वो करवाते हैं। यासीन शरीफ भी शायद पढ़वाते हैं और कुरान खानी वगैरह भी मस्जिद या मदरसे के बच्चों को बुला के कराते हैं। तो ये वो तरीक़ेकार है जो मुसलमानों में राइज है, जब कोई चीज़ नई जो है वो बंदा शुरू करता है, स्टार्ट करता है, तो अल्लाह रसूल के जिक्र से शुरू करता है। और रहा ये तरीक़ेकार कि अगर बिलफर्ज कोई रिबिन काटेगा, अगर उसकी नीयत ये है कि ये दुकान जो है ना नई खुली, अब क्योंकि स्टार्टिंग जब दुकान यानी बनी बनाई होती है, कोई घर बना बनाया होता है, तो उसमें नींव नहीं रख सकते। तो ऐसे मौके पर अगर उसकी नीयत ये है कि मैं कुरान खानी वगैरह भी करवाऊंगा, ये सब भी करवाऊंगा, और घर के अंदर शुरुआत जो है इमाम साहब को बुला के या अपने पीर मुर्शिद को बुला के उनके ज़रिए या किसी मस्जिद के इलाके के आलिम दीन को बुला के उनके ज़रिए से ओपनिंग करवाऊंगा, तो इस नीयत में भी कोई हर्ज नहीं है, नहीं इस पर भी कोई गुनाह वाली बात नहीं है कि बंदा उनको बुलाता है उनकी तज़ीम के लिए। अब क्योंकि नींव नहीं रखी जा सकती, तो वो रिबन काट के उनके हाथों से, ये समझ के कि चलो किसी नेक के हाथ से शुरुआत हो जाए, वो रिबन वगैरह काट के सब लोग फिर उस दुकान या मकान में हाज़िर होते हैं, कुरान पाक वगैरह यासीन शरीफ या जो भी उनका तरीक़ेकार होता है पढ़ते हैं, तो इसमें कोई हर्ज नहीं। जबकि दोनों सूरतों को साथ ले लिया जाए, यानी अगर रिबन वगैरह भी काटना है तो कुरान खानी का जो है वो अहतमाम भी हो और या दूसरे किसी अल्लाह रसूल के ज़िक्र का, कोई ऐसी महफिल का, मिलाद की महफिल का, नात खानी का जिक्र हो कि वहाँ पे सारे मामले भी हो जाए, तो भी हर्ज नहीं है। और जिसको रिबन काटने के लिए किसी ताज़ीमी शख्सियत को ताज़ीम के एतबार से बुलाया गया, उनके रेस्पेक्ट के लिए बुलाया गया है, तो भी इसमें कोई हर्ज वाली बात नहीं है। और यानी फ़कत रिबन काटना तो ये जायज़ है, आपके उसकी नीयत पे डिपेंड करता है कि क्यों कटवा रहा है या किससे कटवा रहा है, इसकी वजह क्या है, और उसमें दूसरी चीज़ें भी शामिल हैं, दोनों काम करेगा, कुरान खानी वगैरह भी कराएगा और इस तरह शुरुआत भी करवा देगा, तो इसमें कोई गुनाह नहीं है। मगर जो तरीक़ेकार है वो शरीयत ने जो दिया है, वो जो मैंने शुरू में बयान किया कि अल्लाह रसूल के ज़िक्र के साथ हो तो ज़्यादा बेहतर है। पुराने